हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल साइंस में फूड चेन। ठीक है, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, जहां हमने बात करी एनर्जी फ्लो की। एनर्जी फ्लो में ही हम इस टॉपिक को कवर अप कर रहे हैं, फूड चेन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो किस पे है, फूड चेन के बारे में। स्टूडेंट, टॉपिक इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो आप इस टॉपिक को प्रॉपरली स्टडी करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एनवायरमेंटल साइंस, फूड चेन। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म इन द इकोसिस्टम आर रिलेटेड टू ईच अदर थ्रू द फीडिंग मैकेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। किसमें, इकोसिस्टम में, यानी कि जो भी हमारा इकोसिस्टम में उसमें जो भी ऑर्गेनिज्म अवेलेबल हैं, इंक्लूड हैं, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर किसके थ्रू, अपने जो फीडिंग मैकेनिज्म है उनके थ्रू। जैसे कि बात करें, जैसे कि क्या होते हैं, प्लांट्स हैं, प्लांट्स को कौन है, कुछ कीड़े खाते हैं। ठीक है, अब कीड़ों को कुछ अदर, हम बात करें ऑर्गेनिज्म या अदर टाइप ऑफ स्पेसीज की बात करें, वो उनका भोजन बनते हैं। ठीक है, या फिर हम बात करें कुछ अदर एनिमल्स, जिनको कुछ और एनिमल्स के द्वारा फीड किया जाता है। तो इस तरीके से ये बात कर रहे हैं हम किसमें, इंटर रिलेटेड ऑफ ईच अदर थ्रू द फीडिंग मैकेनिज्म और ट्रॉफिक लेवल। वन ऑर्गेनिज्म बिकम्स फूड फॉर अदर। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म क्या है, भोजन बनता है किसका, किसी दूसरे का। जैसे कि हम बात करें किसकी, जो डेड बॉडीज, सॉरी, जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो डेड बॉडीज होती हैं। ठीक है, वहां पे आपने देखा होगा बहुत सारे कीड़े आपने देखे होंगे, यानी कि वो कीड़े क्या कर रहे हैं, उनकी डेड बॉडीज को खा रहे हैं। तो एक तरीके से क्या है, ये क्या है, एक जहाँ हमने बात करी वन ऑर्गेनिज्म बिकम्स फूड फॉर अदर्स, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म क्या बन रहा है, खाना बन रहा है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का। या फिर हम बात करें, जैसे कि आप देखते हैं जो कुछ इंसेक्ट्स हैं जिनको कुछ और एनिमल्स के द्वारा खाया जाता है, जैसे कि बात करें किसकी, स्नेक की। स्नेक का भोजन क्या होता है, कुछ अदर काइंड्स ऑफ स्पेसीज या फिर इंसेक्ट्स। ठीक है, फ्रॉग भी उसी कैटेगरी में आता है। तो ये हम बात कर रहे हैं किसकी, फूड चेन की, यानी कि एक चेन बनी हुई है जिसमें क्या है, सारे ऑर्गेनिज्म क्या है, बिकम्स फूड फॉर अदर्स। अ फूड चेन स्टार्ट विद द प्रोड्यूसर्स, जहां हम बात कर रहे हैं सनलाइट टू प्लांट्स, एंड एंड विद द कार्निवोरस, और जहां हम बात कर रहे हैं जंगली जानवरों की, वहां पे जाके वो क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है फूड चेन। द सिक्वेंस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन प्रोड्यूस ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी, इट इज नोन एज फूड चेन। द प्लांट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस। तो इस तरीके से जो प्लांट है वो क्या कर रहे हैं, जो भी सोलर एनर्जी है उनको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय देयर फूड मेकिंग प्रोसेस विच इज नोन एज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, उसमें क्या कर रहे हैं, वो सूर्य की एनर्जी से क्या कर रहे हैं, खान अपने प्लांट्स अपने भोजन का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद जो भी सोलर एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब प्लांट्स क्या हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं। तो अब जो प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं वो भोजन बन रहे हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का। यहाँ पे हम बात करें किसकी, कि भाई जो प्लांट्स हैं, जैसे हमने बात करी रैबिट की, या फिर हमने बात करी कुछ ऐसे एनिमल्स जो क्या होते हैं, पेड़ों, पेड़ पौधे, शाखाएं, पत्ते, फूल वगैरह खाते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, ये क्या है, ये फूड चेन है। तो फूड चेन क्या है, फूड चेन इज अ लीनियर नेटवर्क ऑफ लिंक्स इन अ फूड वेब स्टार्टिंग फॉर प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म सच एज ग्रास और ट्री। ठीक है, जैसा कि मैंने भी बताया, जो प्रोड्यूसर है स्टार्ट किससे हो रहे हैं, ग्रास और ट्री से, विच यूज रेडिएशन फ्रॉम द सन टू मेक देयर फूड, जैसे कि अभी मैंने बताया फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, एंड एंडिंग विद द एपेक्स प्रीडेटर स्पीसीज लाइक, जैसे कि बियर्स होते हैं, किलर्स वेल्स हैं। तो ये सारी चीजें क्या हैं, हम बात कर रहे हैं।
ठीक है, डिकम्पोजर्स सच एज डिकम्पोजर स्पेसीज सच एज फंगी और बैक्टीरिया। अ फूड चेन ऑल्सो शोज हाउ टू ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड विद ईच अदर। जो फूड चेन है वो ये हमें बताती है कि भाई जो भी ऑर्गेनिज्म है आपस में कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है बाय द फूड दे ईट, जो भी फूड वो खाते हैं। ईच लेवल ऑफ अ फूड चेन रिप्रेजेंट अ डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। जो ठीक है, फूड चेन डिफर फ्रॉम फूड वेब बिकॉज कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ डिफरेंट एनिमल्स फीडिंग रिलेशंस आर एग्रीगेटेड एंड द चेन ओनली फॉलो अ डायरेक्ट लीनियर पाथवे ऑफ द एनिमल ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड रहती हैं जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, और एक चेन बनी हुई है। अ कॉमन मैट्रिक यूज टू क्वान्टिफाई फूड वेब ट्रॉफिक स्ट्रक्चर इज फूड चेन लेंथ। इन द सिंपलेस्ट फॉर्म द लेंथ ऑफ द चेन इज द नंबर ऑफ लिंक बिटवीन द ट्रॉफिक कंज्यूमर्स एंड द बेस ऑफ द वेब। द मीन चेन लेंथ ऑफ द एंटायर वेब इज अर्थमेटिक एवरेज ऑफ द एले लेंथ ऑफ द चेन इन द फूड वेब। ओके, फूड चेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द मोस्ट स्पेसीज। जैसे कि हम बात करते हैं कि भाई आपस में क्या है, सारे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, तो जो ऐसे में क्या है, फूड चेन की एक अलग इम्पॉर्टेंस है। किसके लिए? जो भी स्पेसीज है उनकी सर्वाइवल के लिए, क्योंकि उनकी सर्वाइवल क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। अब जैसे प्लांट्स हैं, सोलर एनर्जी के थ्रू प्लांट्स क्या हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं। अब जब प्लांट्स ग्रो ही नहीं होंगे तो प्रोड्यूसर कैसे कैसे किस तरीके से वहां पे स्टार्टिंग होगी, ठीक है, जो फूड चेन की स्टार्टिंग होती है। अब जैसे बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पेड़ों की पत्ते शाखाएं वगैरह खाते हैं, अब जब प्लांट्स नहीं होंगे तो किस तरीके से उनका फीडिंग प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो ये इसलिए हम यहाँ बात कर रहे हैं, फूड चेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, ठीक है, फॉर द मोस्ट ऑफ स्पेसीज। व्हेन ओनली वन एलिमेंट इज रिमूव फ्रॉम द फूड चेन इट कैन रिजल्ट इन एक्सटिंक्शन ऑफ द स्पेसिस इन द सम केसेस। ठीक है, अगर हम किसी भी एक चेन को या किसी भी एक एलिमेंट को बीच में से हटा दें तो जो पूरी की पूरी फूड चेन है वो गड़बड़ा जाएगी और बहुत सारी ऐसी स्पेसीज हैं या ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एज अ इम्पॉर्टेंस ऑफ फूड चेन। ओके, तो फूड चेन क्या है, फूड चेन इज द पाथ बाय विच एनर्जी पासेस फ्रॉम द लिविंग थिंग टू अनदर। प्रोड्यूसर्स की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, प्रोड्यूसर्स क्या हैं, प्रोड्यूसर्स मेक देयर ओन फूड। जैसे कि ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स यूज एनर्जी फ्रॉम द सन टू मेक फूड। प्रोड्यूसर्स आर ऑन द बॉटम ऑफ द फूड चेन। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर्स की, कंज्यूमर्स हंट गैदर एंड स्टोर फूड बिकॉज दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। तो जो कंज्यूमर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे कि क्या है, शिकार कर रहे हैं और अपना भोजन इकट्ठा करते हैं, इसको दूसरे एनिमल्स को मार के, क्योंकि वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। तो इसलिए हम जो कंज्यूमर हैं उसमें हम बात कर रहे हैं, कंज्यूमर हंट गैदर एंड स्टोर फूड बिकॉज दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं थ्री टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स की, जो कि क्या कौन होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। ठीक है, तो कंज्यूमर में हम यहाँ पे हमने बात करी हर्बीवोरस, एनिमल हु ईट प्लांट एंड सच एज, जो एनिमल प्लांट्स खाते हैं, जैसे कि ग्रास होपर है, रैबिट है, स्क्वायरल है, डियर है, पांडाज हैं, तो इनका सारा सबका भोजन क्या है, प्लांट्स हैं, तो इनको हमने हर्बीवोरस फॉर्म में रखा हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कार्निवोरस, कार्निवोरस में हम बात कर रहे हैं किसकी, एनिमल्स हु ओनली ईट द एनिमल्स ऑफ सच एज, जैसे कि टाइगर है, लॉइंस है, हॉक है, वॉल्स है। ठीक है, तो ये क्या है, दूसरे एनिमल्स का फ्लैश या मीट खाते हैं, तो इनको हमने कार्निवोरस। ओमनीवोरस में हमने रखा है जो पेड़ पत्ते भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, तो ओमनीवोरस आर हु ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स सच एज ह्यूमंस और बियर्स। ठीक है, डिकम्पोजर्स कौन होते हैं स्टूडेंट्स, ये भी आप हम डिस्कस कर लेते हैं, ये सब फूड चेन का ही पार्ट है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर एबल टू ब्रेक डाउन द लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स, तो वो डिकम्पोजर्स में हम काउंट करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं।
ठीक है, डिकम्पोजर्स रिटर्न द न्यूट्रिएंट्स दैट आर इन लिविंग थिंग्स इन द सॉइल, और जो क्या है जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको बढ़ाने में सहायक होते हैं, तो वो हम बात कर रहे हैं डिकम्पोजर्स की। सो वी कैन से दैट अबाउट फूड चेन, फूड चेन इज सिंप्लीफाइड द वे टू लुक एट द एनर्जी एंड पासेस फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए टाइप्स ऑफ फूड चेन के बारे में। तो टाइप्स ऑफ फूड चेन में हम कवर करेंगे एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। यहाँ पे हमने दो टाइप्स लिखे हुए हैं, ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रिटस फूड चेन, यानी कि ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रिटस फूड चेन, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इसको एक डिफरेंट फॉर्म में भी, जैसे कि क्या है एक्वेटिक वाटर रिलेटेड फूड चेन विद द सी प्लांट्स एंड द एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल में हम बात कर रहे हैं लैंड रिलेटेड फूड चेन विद लैंड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं ग्रेजिंग फूड की। तो जो ग्रेजिंग फूड चेन है इसमें हम बात कर रहे हैं किसकी, उन सब ऑर्गेनिज्म की जो क्या है लैंड से रिलेटेड है, जैसे कि क्या है प्लांट्स हैं, पौधे हैं, ठीक है, और क्या है एनिमल्स इंसेक्ट्स जो क्या है लैंड पे ग्रो हो रहे हैं। तो स्टूडेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे डिटेल में, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच, फूड चेन, थैंक्स।